पब्लिक एंटायर पब्लिक के साथ दिखाने का कर 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 चलो रेडी वंस मोर रेडी एक मिनट चलो 3, 2, 1 आ जाओ हेलो एवरीबॉडी हाय मीट माय न्यू बेबी हेलो दादा मत से उंगली दिखाओ दिखाओ उंगली दिखाओ खोलो उंगली इसके बीच में डालो बैठ जाओ कि खड़ा रहूं बैठ जाओ थैंक यू और कैसे हो डार्लिंग कुछ खाना पीना कुछ चाहिए ठीक है ये ये लो बिल्कुल बहुत ही मजा आया जर्नी में इतनी ज्यादा मजेदार रही है कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अगले साल फिर ले चलो यार फ्री में ले चलो मुझे पर ले चलो अगर आपको लगता है हाँ हाँ पूछ चले फिर कैमरा पे आ जाऊंगा हाँ हो सकता था यार वो बहुत अच्छा कंपटीशन था बहुत स्ट्रांग था बट उसकी बेवकूफ़ी और मेरी अच्छी किस्मत कि मैं यहाँ हूँ आप सिर्फ आसिम को ही अपना कंपटीशन मानते हैं क्योंकि गश्मीर को सभी लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन समझा था और सब ने यू नो उनको डाला था स्टंट करने के लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है क्या कहना चाहूंगे सिर्फ आसिम और गश्मीर ही नहीं हर कोई आई थिंक मैं जब पहले आपको इंटरव्यू देके गया था तो मैंने बोला था मैं ही जीतूंगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और जब सबकी तैयारी देखी मैंने तब मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था क्योंकि सब यही सोच के आए थे कि सब इसको लेके जाएंगे घर एंड एवरीबडी वॉज वेरी फोकस्ड ये बैच ही कुछ ऐसा था जो सोच के आया था कि भाई कुछ ये नहीं करेंगे कि हाँ आ गए जहाँ तक ठीक है कर लेंगे पार्टी कर लेंगे घूम लेंगे रोमानिया ये सब कोई करने नहीं आया था सब इसको लेने आए थे एंड दे वर ऑल वेरी फोकस्ड एंड रेडी एंड ट्रेंड मैं ये कहूँगा वेल आप एक अंडरडॉग प्लेयर निकले हंस हंस कर यू नो हंसी मजाक करते करते ट्रॉफी तक का लेकर आ गए आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे आपको ऐसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया नाइस जोक ना वन लाइन हो सकता है यार सबको मैं बाकी जो मेरे कंपटीशन था ना उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा देखो बोल दूं सारे कैमरा में बोलूंगा यहाँ से स्टार्ट करूंगा रेडी दी गई सो दैट्स माय आंसर टू एवरीबॉडी बट अगेन हैविंग सेड दैट मैं ये जरूर कहूंगा कि हर कोई डिजर्व करता था इसको बिकॉज हर कोई किसी ना किसी चीज में बहुत स्ट्रांग था चाहे वो करंट हो या अंडर वाटर हो या हाइट हो तो मेरी ऐसी किस्मत थी कि जब मेरा स्टंट आया और जो मेरे सामने था मैं उसमें ज़्यादा अच्छा था और सामने वाला वीक था तो मैं आगे बढ़ता चला गया जैसा कि आपने बोला हंसी मजाक में खतरनाक होते बट आपके हिसाब से आपके लिए सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था करंट लगने वाला भाई अभी भी ये तारों से डर लग रहा है मेरे को लोग फियर छोड़ के आते हैं मैं फियर लेके आ गया हूँ कि कहीं से करंट ना आ जाए इनको भी मौका दें करण आप ट्रॉफी लेके बाहर आ गए लेकिन बिग बॉस के लिए भी नाम आ रहा है इस बात में कितनी सच्चाई वो तो हर साल आता है नाम और वो ज्यादा बड़ा खतरा आपको क्या लगता है जाना चाहिए मुझे जाना चाहिए ठीक है सब जो जो जाना चाहिए हाथ खड़ा करो ट्रॉफी आ जाएगी दो दो ट्रॉफी एक साथ पे आएगी इन सबको काउंट करो ठीक है सबको बंद कर लेना है कमरे में ठीक है आपने प्रोमो देखा बिग बॉस का टाइम का टांडम ना कुछ तो हाँ देखा है मैंने कुछ ऐसा टाइम का कुछ चल रहा है और सलमान सर की आवाज़ है बट प्रोमो तो देखा मैंने देखता तो हूँ मैं ऑफकोर्स जब तो कभी जाएंगे बिग बॉस में मैं टीवी के थ्रू जरूर जाऊँगा टीवी में देखने में जाऊँगा बिग बॉस आ रहा है सिर्फ मेंटली नहीं इनफैक्ट हर चीज के अंदर यहाँ तक कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया स्टंट करते हुए एंड शी हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी फॉर दैट तो वो एकदम दबंग लड़की है और कुछ उसने कभी भी ऐसा नहीं लिया कि हाँ मैं शायद फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाऊंगी उसने कूद गई वो किसी भी चीज में ऑल्सो यू नो कृष्णा मुखर्जी के कृष्णा की अगर मैं बात करूं पहले एलिमिनेट हुई और फिर जब वो कमबैक की उन्होंने बहुत अलग ही लेवल का कमबैक था यस यस व्हाट यू हैव टू से क्या आपने सोचा था कि इस तरह से वो आएगी और इतना कैपेबिलिटी होगी उनमें सोचा तो पहले से था बिकॉज़ आई हैड सीन हर वीडियोस एंड एवरीथिंग दैट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग
बट हाँ करंट नहीं ले पाई वो, जैसे कि मैं भी नहीं ले पाया. अगेन वही बात थी ना कि किस टाइम पे कौन सा स्टंट तुम्हारे सामने आता है, वॉज द लक फैक्टर. सो दैट्स द ओनली गेम दैट आई प्लेड एंड आई, मतलब वो लकीली आ गया. अगर कृष्णा को आता शायद वो जीत जाती. सॉरी बिल्कुल आपकी दुआएं सब काम कर गई साथ में. लक फैक्टर तो अभिषेक के साथ सबसे ज्यादा था, बट टॉप 5 तक का ही उनका सफर रहा क्या कहना. हाँ तो उनका टॉप 5 तक का लगता ना, शायद मेरा आगे तक का था पूरा. लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई थी. आपको सच में लगता है लक फैक्टर था और उन्होंने यू नो अपनी कैपेबिलिटी नहीं बताई. नहीं नहीं मेहनती भी बहुत है, उसने बहुत मेहनत करी है. ऐसा नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं आया था जो सोच के आया कि चल घूम लेते हैं आज कल स्टंटे देखेंगे क्या होगा. देर वॉज नो बडी. अगर अगले दिन स्टंट है तो जल्दी सोना, जिम जाना, सोना, स्विमिंग, रिलैक्स होकर अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड थे सब. कोई भी ऐसा नहीं था कि अरे रात तक पार्टी कर रहा है, सुबह देखेंगे कितने बजे उठना है. नो बडी हैड दैट एटीट्यूड. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबडी वॉज इक्वली कंटेस्टेंट फॉर दिस. कि कोई भी लिस्ट सारे कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ, आपको क्या लगा बिग बॉस मटेरियल कौन था उसमें से? आधे तो बिग बॉस के ही थे सारे. और जो नहीं थे उनमें से कौन लगा? जो नहीं थे वो सारे बिग बॉस मटेरियल ही हैं मुझे लग रहा है. अच्छा वो वाली बात. हाँ वो तो मुझे लगा फिर गैलेक्सी वाली बात आ जाएगी. हाँ सुना तो थी कहानी गैलेक्सी वाली यार. अब तो क्या सुनना चाहता, क्या पी के गुस्सा था मैं अंदर. देखो हाथ लगाओ ये मटेरियल. ये गुड बॉय मटेरियल है, ये बिग बॉय मटेरियल नहीं है. सर रोमानिया से ट्रॉफी खेला और क्या कुछ नहीं याद लिखा है? रोमानिया से बहुत सारे दोस्त बनाए हैं यार वहाँ पे, स्टंट टीम में, मेकअप टीम में, और जो जनरल क्रू था उनका, सब बहुत ही ज़्यादा इंडियन टाइप ही हैं. बहुत ज़्यादा मतलब घुलने मिलने वाले, तमीज़ वाले, ये खाओ ये पियो सब ने अपनी. मेरे एक फिजियो थी वहाँ पे इंड्रिया, उससे तो मैं अभी भी टच में हूँ. वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ भेजती रहती है कि वो ये कर रही है, हॉर्स राइडिंग सीख रही है, शी इज़ ऑल्सो वन खतरों का खिलाड़ी. तो यू नो तो ये सब बहुत सारे अच्छे दोस्त बने हैं वहाँ पे. किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपकी तबीयत को लेकर और जब आपको सबसे ज्यादा करंट लगते थे उसके बाद स्टंट के बाद आपका किस तरह से यू नो ध्यान रखा जाता था? मैं बात करूँ तो किस तरह का मैनेजमेंट रहा है? उन्होंने मुझे बस ये बोला था कि मरने नहीं देंगे, बट ये नहीं बताया था कि इतना पास लेके जाएंगे. छू के वापस आना पड़ रहा था हर बार. तो बट अदरवाइज सेफ्टी वाइज इट्स द बेस्ट स्टंट टीम यार. टॉम क्रूज के स्टंट्स वो डिज़ाइन करते हैं. सो सेफ्टी वाइज बहुत कुछ रखा जा रहा था ऑफकोर्स, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था सब कुछ. करंट लगाना और दोनों जानवरों के साथ सांप वहाँ सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टंट थे. तो कैसे निकल के कहाँ से ऊपर पहुँच गया हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता. अभी थोड़ा थोड़ा आप इंटरव्यूज ले रहे हो ना, इतने सारे तो रियलाइज़ हो रहा है हाँ मैं जीत गया हूँ. नहीं तो अब तक जब अनाउंस हुआ है मेरा नाम, जब से मेरे कान में सीटी बज रही है, स्लो मोशन में चल रहा था सब, ऐसा हो रहा है. लास्ट क्वेश्चन, उनसे सब कुछ ही उनसे सीखा है मैंने. एक तो काम में इंसान वो 20 में से 20 हैं, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इंसान वो 20 में से 22 हैं, तो वो बनना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. आप अच्छे लुकर, अच्छे बॉडी, अच्छे एक्टर, अच्छे खतरों के खिलाड़ी, अच्छे बिग बॉस कंट सब कुछ बन सकते हो, अच्छे इंसान बनना बड़ा डिफिकल्ट है. तो वो मैंने उनसे सीखी है चीज़, एंड आई थिंक एपिटोम ऑफ ग्रेस, पेशेंस उनके अंदर इतनी ज़्यादा है, और बिहेवियर, छोटे बड़े से बात करने की तमीज़, चाहे वो स्पॉट बॉय हो सेट पे या डायरेक्टर्स हो, बहुत प्यार से रहते हैं सबके साथ. हाँ ऑफकोर्स यार, इतना देखा है उसका डोला, उसके डोले का साइज, उसके डोले का साइज और मेरा थाई सेम है. सोचो मैं उसको ऐसे टच करके बोलता था अरे सेम हो गया यार. तो ऑफकोर्स शालीन को एक्सपेक्ट किया था, कश्मीर को एक्सपेक्ट किया था, एंड इवन 12 में से कोई भी आ सकता था टॉप 5 में. करणवीर आपने कहा कि आपको हर साल बिग बॉस से ऑफर आता है, बट क्या वो वजह है जो हर बार आप मना कर देते हो? पता नहीं मैं क्यों डर जाता हूँ. मेरे को फ़ोन चाहिए मेरा अंदर. उनको मैंने बोला मेरा फ़ोन दे दो तो मैं चले जाऊँगा अंदर, क्योंकि मैं हम दोनों के रहते हैं घर पे, मैं और मेरी तन्हाई, ठीक है. हमें आदत है तो स्पेस की आदत हो गई है मुझे, और मेरी सारी फैमिली ना बहुत स्कैटर्ड है. मेरी मॉम दिल्ली में अकेले हैं, मेरी बहन कैनेडा में अकेले हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ अबू धाबी में अकेले हैं, उनकी मदर गुड़गांव में अकेले हैं, लेकिन हम सब
फेस टाइम पे लंच और डिनर साथ में करते हैं तो वैसे कनेक्टेड हैं हम, तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करूंगा ना, इसलिए मेरे को बोल रहा हूँ कि मेरे को फ़ोन दे दो अंदर ताकि मैं अपना कनेक्टेड रहूँ, बाकी जो मर्जी करते रहे।